प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम है, तो बच्चों ने बोला भैया पेपर सॉल्व करवा दो एक बार, तो उन्होंने पेपर भेजे हैं तो वो पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके पास कोई पेपर है और आप वो सॉल्व करवाना चाहते हो तो ये ईमेल आईडी है, आप इस पे मेल कर देना क्वेश्चन पेपर को, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा भाई। ईमेल आईडी है विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर हो आप यहाँ पे मेल कर देना, देखेंगे भाई अगर टाइम मिल जाएगा तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर एक। तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा सर डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ, वहाँ पे जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर मतलब डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोशिश करूंगा तो साइड में लगा दूंगा, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, ठीक है भाई। तो ये बीए प्रोग्राम वालों का है, जनरल इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। मतलब कि आपको वो बताने हैं स्टेप्स, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा है आपको बताने हैं स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जब हम इनकम मेथड का यूज करते हैं, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। मतलब कि इनकम मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको बताना है, मतलब सीधी बात पूरा ही इनकम मेथड एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं सर, इनकम मेथड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको बताना है पहले इनकम मेथड क्या, मतलब इनकम मतलब नेशनल इनकम क्या होती है, पहले तो सबसे पहले कि नेशनल इनकम क्या होती है और उस तरीके से कैसे इनकम मेथड में मतलब कैसे इनकम मेथड में इसका यूज करके नेशनल इनकम निकालेंगे, कौन सी इनकम ली जाती है वही बता दो, फिर आप फैक्टरी इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस उसी के अंदर, कि हमेशा नेशनल इनकम में जो होती है वो हमेशा फैक्टरी इनकम को इंक्लूड करते हैं, कभी भी ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है सर। तो इस तरीके से कंसेप्ट बता दोगे, मतलब जो भी डिफरेंस होगा खत्म काम। अब उसके बाद इनकम मेथड बताना है आपको, अब इनकम मेथड जो पूरा बड़ा मेथड था पूरा एक्सप्लेन करना है, जैसे सबसे पहले क्या आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस में क्या आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस में क्या आता है मिक्स इनकम, क्योंकि दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं ना कमाने वाले, पहला कौन होता है एम्प्लॉय, पहला कौन होता है एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉयर बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई, और तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस खुद चलाता है, ठीक है भाई, तो इसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो भी पैसा ये तीनों कमाते हैं वो सारा पैसा जोड़ना है। तो पहला क्या है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज ने पैसा कमाया वो जोड़ना है। अब एम्प्लॉयज ने कौन कौन सा पैसा कमाया, चाहे वो इन कैश में हो, इसमें इन कैश जैसे कि सैलरी हो गई या फिर वेजेस हो गए, ये सारा मैं करवा चुका हूँ सर पहले आपको, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके फटाफट से देखिए, ये सर पूरा इनकम मेथड हो चुका है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। इसके साथ साथ सर इन काइंड जो एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, जैसे कि क्या होता है डियरेंस अलाउंस हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, ठीक है, इसके बाद ईपीएफ हो गया, ईपीएफ की सुविधा, तो ये सब चीज़ें ईएसआई की सुविधा, ये सब चीज़ें भी नेशनल इनकम इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद ट्रिपल एस एम्प्लॉयर, ठीक है भाई, जब भी एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा पेमेंट करता है किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है जो बिजनेसमैन पैसे कमाते हैं, एम्प्लॉयर पैसे कमाते हैं, वो चार तरीकों से पैसे कमाते हैं, वो चारों जोड़ने हैं, जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, ठीक है भाई, उसके बाद इंटरेस्ट और लास्ट में प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट कई बार ना दिया हो तो वो कैसे निकलेगा सर, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स और प्लस में डिविडेंड करके, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट आप कर चुके हो, इसके अंदर कोई नहीं है सर, मिक्स्ड इनकम है ये, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी हम जैसे लोग जो भी बिजनेसमैन नहीं कह सकते, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, टेरी ठेली वाले या फिर दुकानदार हो गए कोई भी, जो किसी और से काम नहीं करवाते, खुद का काम खुद ही करते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, उसकी जितनी भी इनकम है वो जोड़नी है, बस ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब जो इसका दूसरा स्टेप है, आपको इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है बस खाली, जैसे रेंट क्या होता है यहाँ पे लिख के डेफिनेशन लिख देना, रेंट क्या होता है और इसको क्यों जोड़ा जा रहा है वहाँ पे, रॉयल्टी क्या होता है उसको क्यों जोड़ा जा रहा है, इंटरेस्ट क्या होता है उसको क्यों जोड़ा जा रहा है, प्रॉफिट को क्यों जोड़ा जा रहा है, मतलब ये सब चीजें क्यों जोड़ी जा रही है नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे, बस वो आपको एक्सप्लेन कर देना है, जिसको मैं पहले से ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है पूरी पूरी, आपने तैयारी नहीं करी तो जाइए तैयारी करके आइए, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया भाई, 15 नंबर का था, आपको मिल गया आराम से 15 नंबर। दूसरा भाई, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट प्राइवेट सेविंग, आपको क्या निकालनी है प्राइवेट सेविंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इससे बाकी डिटेल आपको दे रखी है उससे प्राइवेट सेविंग निकालनी है। तो पहले कह रहा है, अच्छा पहले कह रहा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, चलते 4500 प्राइवेट सेक्टर इनकम कमाई है, ठीक है, और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, इसका कोई काम ही नहीं है, एनएफआई दे रखा है भाई -50, डायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं आपके 150 के, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 2000 का, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है आपको करंट ट्रांसफर फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट से कितना पैसा आपको मिला वो मिल दे रखा है ट्रांसफर इनकम, ठीक है, और उसके बाद वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, इसका भी कोई काम नहीं है, बाकी जो चीज़ों का काम है उसको इंक्लूड करके आपको क्या निकालना है प्राइवेट सेविंग। तो सर प्राइवेट सेविंग निकालनी है, पहले करवा रखा है आपको पहले से, ठीक है। प्राइवेट सेविंग निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं वो समझते हैं सर एक बार,
है ना। ठीक, डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है सर? डिस्पोजेबल इनकम, तो इस मेथड में डिस्पोजेबल इनकम आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा सर, एनएफआई जोड़ोगे, उसके बाद जो भी ट्रांसफर इनकम मिली थी ना आपको अब्रॉड से, यानी कि ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ये प्लस का साइन है सर, ये भी प्लस का साइन है, ठीक है, ये भी जो भी आपको ट्रांसफर इनकम मिली है कहां से, अब्रॉड से, विदेशों से, वो आपको लेनी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में प्लस में आपको क्या जोड़ना है सर, जो सॉरी जोड़ना क्या है, टैक्स दे रखा है ना शायद, हाँ, तो माइनस कर देना आपको जो भी आपको टैक्स दे रखा है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है भाई, जो भी आपको पर्सनल डायरेक्ट टैक्स दे रखा है वो आपको माइनस कर देना है, बस दिख रहा है सर, चलिए वो आपको माइनस कर देना आपका निकल जाएगा आराम से। तो एक बार निकाल लेते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सबसे पहले देखिए सर डोमेस्टिक इनकम कितनी रखी है, डोमेस्टिक इनकम प्राइवेट सेक्टर जो भी इनकम कमाता है उसी को बोलते हैं, सबसे पहले देखा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है भाई, कितना 4500, चलिए जी 4500, प्लस में एनएफआई दे रखा है आपको, देखो एनएफआई, हाँ जी माइनस में दे रखा है, ये कितना माइनस का 50, तो बस माइनस का 50 लिख देना, प्लस में ट्रांसफर इनकम अब्रॉड की, हाँ जी दूसरे पेज पे दे रखी थी, ठीक है इसमें अलग पेज है, तो ये हो गया 80, और उसके बाद माइनस में डायरेक्ट पर्सनल टैक्स दे रखा है आपको, हाँ जी देखो था तो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स 150 का भाई, तो 150 यहाँ माइनस हो गया, बस इसको सॉल्व करना है, बस खाली ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 150 और ये हो गया 200, इसमें चले गए 300, तो ये बच गया 380, ये हो गया 4380, सिंपल इतना खत्म भाई। इसके अलावा अब आपको क्या निकालना था मेन चीज, पर्सनल प्राइवेट सेविंग, प्राइवेट सेविंग, अब आपने डिस्पोजेबल इनकम निकाल लिया, अब इनकम क्या आती है सर, जो भी आपकी पास इनकम आती है उनमें से कुछ पैसे आप कंज्यूम करते हो, क्या सिखा गया, हाँ जी ऐसे समझाता हूँ भाई, सुनिए डिस्पोजेबल इनकम, तो जो भी आपके पास इनकम आती है उसमें से कुछ पैसे आप क्या करते हो, सेव करते हो, और कुछ पैसे क्या करते हो आप कंज्यूम कर देते हो, कुछ पैसे आप खा जाते हो, है ना। चलिए तो इनकम आपको मिल गई है 4380, और कुछ पैसे आप सेव करते हो, वही आपको सेविंग निकालने के लिए क्या रहा है, प्लस में कुछ पैसे जो आप खा जाते हो, खाते कितने हो सर, लास्ट में लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 का, यानी वो 2000 रुपए खा जाते हैं, तो 2000 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे बच गया 2380, जो कि आ गया सेविंग, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से निकल गया आपका प्राइवेट सेविंग, सिंपल सर, बस छोटा सा क्वेश्चन था, 15 नंबर का क्वेश्चन था, आपने आराम से कर लिया, आसान था ना, बहुत अच्छे सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो आराम से पास हो जाओगे आप, ठीक है। इसके बाद देखते भाई क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, सर आपको मैंने पहले करवा दिया, इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा चलते हैं नेशनल इनकम में, कभी नहीं जुड़ते, फाइनल गुड्स हमेशा नेशनल इनकम में जुड़ते हैं, ठीक है, बस वही आपको डिफरेंस की तरह लिखना है, लिखाऊं क्या यहाँ पे भी, ये रहा सर देखो, ये रहे इंटरमीडिएट गुड्स और ये रहे फाइनल गुड्स, मैं ये सब जब पहले करवा चुका हूँ, तो अगर आप करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए वहाँ पे देख के ये पूरी प्ले लिस्ट, ठीक है भाई। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो चलते हैं जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स हो गए, जो आधे बने हुए गुड्स है वो, फाइनल गुड्स जो बनकर तैयार हो चुके हैं, समझ में, फिनिश गुड्स जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स, तो क्या हो गया फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है। इनको यूज करता है हमेशा कंज्यूमर, या फिर प्रोड्यूसर भी यूज कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी यूज करती है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, जो वो भी बनी हुए होते हैं रॉ मटेरियल, इनको केवल प्रोड्यूसर ही यूज करता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इनके प्राइजेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इनके प्राइस बढ़ते करते रहते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ना, वैल्यू इसकी बढ़ सकती है आराम से, लेकिन इनके प्राइस में चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होता, कस्टमर इसे खरीदते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, इसे खरीदा जाता है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, सिंपल ना, बस इतना से डिफरेंस है। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसने दूसरा क्वेश्चन वही पूछा है, नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड क्यों नहीं करते, तो बस एक छोटा सा रीजन है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की वजह से, दोहरी गणना की समस्या की वजह से हम चलते नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, क्यों, अगर डबल काउंटिंग कैसे, कि आप एग्जांपल दे देना वहां पे, जैसे ए बंदा है, एक बंदा है ए, जिसने 0 रुपए लगाए, खेती बाड़ी कर रहा था वो, और उसने 100 रुपए का गेहूं बना दिया, वीट बना दी, ठीक है, उसको उसने दुकान में मार्केट में जाके बेचा 50 रुपए का किसी और को, 50 रुपए का किसी और को, अब उस अगले बंदे ने उस 50 रुपए का सामान को 100 रुपए में बेच दिया बना के, और इसने 200 रुपए में बेच दिया, तो देखो अब देश की नेशनल इनकम कितनी होगी, 100 रुपए तो इसने कमाए ए ने, बी ने कमाए कितने रुपए, 50 रुपए, और सी ने कमाए कितने, 150 रुपए, यानी कि 150, 100 और 150, यानी टोटल मिला के हो गया 300 रुपए देश की नेशनल इनकम बनी। अब इस तरीके से निकालोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है, कि हम उसका ये बार सोच सकते हैं कि इसने 50 रुपए नहीं, इसने 100 रुपए कमाए, बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो देखते नहीं कि 50 रुपए उसने खर्चा भी तो किया था, उसको पे भी तो किए थे,
है ना, वो खाली इनका डिफरेंस लेने की बजाय वो ये वाला प्राइस ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता। अगर आप ये वाला प्राइस ले रहे हो तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप फाइनल गुड्स का प्राइस लो, यानी फाइनल गुड्स, इसकी जरूरत नहीं है। फिर तो 300 रुपये आपकी इनकम वैसे भी आने वाली है जब आप हर एक की इनकम जोड़ोगे, और 300 रुपये आपकी इनकम वैसे भी आने वाली है जब आप फाइनल गुड्स का प्राइस लोगे, 200 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये यहाँ पे, बस फाइनल गुड्स का प्राइस ले लो 300 रुपये, बस वही आगे आपकी क्या नेशनल इनकम, सिंपल। हाँ जी, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को यूज करते हैं नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे, बस वही क्वेश्चन पूछा था इसका जो सेकंड पार्ट है वो। अच्छा हाँ, एक और चीज हो, वो पूछ रहा है बीच में, इन विच दीज कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज फैक्ट्रीज एंड मशीनरी फॉल्स, मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स होंगी या फिर फाइनल गुड्स होंगी आपको बताना है, बस क्या ये फैक्ट्रीज और मशीनरी, जो फैक्ट्रीज हैं या फिर जो मशीनरी हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं या क्या बोलते हैं फाइनल गुड्स हैं, ये आपको समझा रहे हैं। अब समझिए ध्यान से, जैसे फैक्ट्रीज है, नाम से ही पता चल रहा है फैक्ट्रीज, कौन यूज करेगा सर, कंज्यूमर यूज करेगा, प्रोड्यूसर यूज करेगा, जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर यूज करता है, तो फैक्ट्रीज क्या बन गई, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन नहीं, यहीं पे आप गलती कर दोगे, जो फैक्ट्री होती है वो क्या होती है, अब इसकी वैल्यूएशन करके हम बता के दोबारा बेच सकते हैं एक्सीओ को, नहीं जी। तो एक तरीके से ये जो फैक्ट्रीज है वो यूज कौन करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए यूज करता है, लेकिन वो क्या होता है, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपका बिजनेस चला पाए। तो एक तरीके से फैक्ट्रीज होती है वो फाइनल गुड्स होती है, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है मशीनरीज, अब मशीनरी इंटरमीडिएट गुड्स होती है या फिर फाइनल, अब डिपेंड करता है सर, अगर मशीनरी आपकी बन रही है अभी, रॉ मटेरियल की तरह यूज की जा रही है, जैसे कि हम पंखे बना के बेचते हैं, तो हमने उसकी पंखे की मोटर, मोटर भी तो मशीनरी है ना, तो पंखे के अंदर जो मोटर लगेगी तो वो मोटर क्या हो गया, रॉ मटेरियल है ना सर, तो वो मशीन होने के बाद भी क्या रॉ मटेरियल की तरह यूज की जा रही है, यानी वो क्या बन गई, इंटरमीडिएट गुड्स। और वहीं पे अगर वो पंखे की बात करी जाए, पूरा पूरा पंखा, तो पंखा लोग कस्टमर भी यूज करते हैं, तो वो भी मशीन है ना, तो मशीन डिपेंड करता है कि वो कस्टमर यूज कर रहा है या फिर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। तो आप ये मतलब क्या रहा कि फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स, बोलते ना डिपेंड्स, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल डाल देना, ये डिपेंड करता है कि कौन यूज कर रहा है उसे, रॉ मटेरियल मतलब कंज्यूमर यूज कर रहा है या प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, सिंपल इतना। एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुगर है, चलिए भाई। तो शुगर ने से पहले सर, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के, नहीं मतलब किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, नंबर देखा है 8059639586, ठीक है भाई। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप आराम से नोट्स परचेस सकते हो जो भी सब्जेक्ट के चाहते हो, ठीक है भाई। बस कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे करो, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है अगर आप फोन ऑन कर देते हो तो। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया था, क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथे पे, कह रहा है एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द इंडिया। देखिए ध्यान से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पहले से सिखा रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है, एक क्या होती है, एक पर्चा होता है, एक स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रांजेक्शन करती है ना, उसी ट्रांजेक्शन को इसको अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे इंडिया और अमेरिका जो है, जिन ट्रांजेक्शन को करता है एक दूसरे देशों के साथ, उन्हीं ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं, एक पर्चे में, उसी पर्चे को, उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट इज अ स्टेटमेंट इन विच इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम ए कंट्री टू अक्रॉस द वर्ल्ड, सिंपल, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब ये बात आती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है क्या। अब ये इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब विदेशों से जो हम लेन देन करते हैं, वो बेसिकली चार तरह के होते हैं। पहली चीज तो होते हैं विजिबल आइटम का लेन देन, विजिबल आइटम्स का लेन देन, यानी ऐसे आइटम जिनको मैं देख भी सकता हूँ, समझ में, इसको बोलते हैं दृश्य मदें, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा होता है इनविजिबल आइटम। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते कोई भी सामान, हम वो सामान आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले सामान, जैसे हमने कोई भी सामान बेच दिया, साबुन बेच दिया, प्लास्टिक की कुर्सियां बेच दी, या फिर टेबल, घड़ी, चेयर, कुछ भी, जो भी सामान हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सारे सामान इसके अंदर आते हैं विजिबल आइटम के अंदर, जो हम विदेशों से ट्रेड करते हैं। दूसरा होता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम मतलब अगर हम कोई सर्विसेज बेचते हैं तो वो इस आइटम के अंदर आती है, इनविजिबल आइटम के अंदर, जैसे कि बैंकिंग वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, LIC वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, समझे, ये सब आइटम इसके अंदर आते हैं इनविजिबल आइटम में। उसके बाद आता है ट्रांसफर आइटम। अब ये ट्रांसफर आइटम क्या है, जो भी हमें विदेशों से मिलता है ट्रांसफर पेमेंट के तौर पे, फैक्टर इनकम नहीं, ट्रांसफर इनकम, जैसे कि हम ग्रांट्स ले रहे हैं विदेशों से, डोनेशन ले रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, एक तरफा होती है, वन साइडेड होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। जैसे बाकी दोनों आइटम क्या है, पहले में क्या है, हमने कोई सामान प्रोवाइड किया, एक्सपोर्ट किया, बदले में पैसा मिलने वाला है, हमने कोई सामान इंपोर्ट किया, बदले में हम पैसे पेमेंट करेंगे, ये डबल साइडेड ट्रांजेक्शन है, जिसको हम फैक्टर ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ऐसे इनविजिबल आइटम, हमने सर्विस प्रोवाइड करते हैं या सर्विस लेते हैं तो बदले में पेमेंट रिसीव या पे करते हैं, सिंपल ना, तो ये भी क्या हो गई, फैक्टर इनकम हो गई, फैक्टर ट्रांसफर हो गई लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर आइटम क्या होते हैं, ऐसे आइटम जो वन साइडेड होते हैं, बस खाली हम बस खाली लिए जा रहे हैं, बदले में कुछ पेमेंट करनी नहीं है, सिंपल सर, जैसे ग्रांट्स, डोनेशन, ये सब चीजें, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है,
चलिए इसी पर्चे में रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा कैपिटल आइटम, कैपिटल आइटम क्या है भाई, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम पोजेशन नहीं कर सकते, पोजेशन नहीं ले सकते, हाँ ऑनरशिप ले सकते हैं, ऑनरशिप ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अमेरिका में घर ले लिया, अब अगर मैं कार लेता तो वो उसके अंदर आता, विजिबल आइटम के अंदर, क्योंकि मैं कार वहां से लेके आ सकता हूँ, उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कैपिटल आइटम के अंदर क्या आएगा, जैसे मैंने वहां पे घर लिया है, अब घर मेरा तो है घर, लेकिन मैं उसका मालिक तो हूँ, लेकिन मैं उसको वहां से जमीन को उठा के यहाँ पे ला नहीं सकता ना, इस वजह से मैं उसका पोजीशन नहीं ले सकता, मतलब कि ओनरशिप ले सकता हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन अपनी जगह पे मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। सेम ऐसे ही अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसे भी क्या बोलेंगे हम, कैपिटल आइटम। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। अब समझिए ये जो आइटम है कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के तौर पे रिकॉर्ड होते हैं, किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक स्टेटमेंट है, अब ये छोटी सी स्टेटमेंट के अंदर ना रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, इसके अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, कितने अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट, एक अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट और एक अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। एक पर्चे के अंदर हम बनाते हैं दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उन्हीं अकाउंट्स के अंदर इनको रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली समझाता हूँ, मान लेते हैं ये है एक पेज जो कि कौन सा पेज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो लिखे जाएंगे। अब लिखने कैसे हैं वो डिपेंड करता है अकाउंट्स पे, हम बनाएंगे अकाउंट्स, किसका अकाउंट, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। इन अकाउंट्स के अंदर जो होते हैं ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिंपल मान लेना एक करंट अकाउंट है, ठीक है, ऊपर वाला कैपिटल अकाउंट है, इन अकाउंट्स के अंदर ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट के अंदर आएगा वो याद करना पड़ेगा। जैसे कि विजिबल आइटम याद रख लेना, हमेशा करंट अकाउंट के अंदर आता है, इनविजिबल आइटम करंट अकाउंट के अंदर आता है, ट्रांसफर आइटम भी करंट अकाउंट के अंदर है, केवल और केवल कौन सा आइटम, कैपिटल आइटम आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, इतना याद आ जाएगा, पक्की बात। हाँ जी, अब क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन वाला कह रहा है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के आपको कंपोनेंट बताने हैं। तो जब भी आपको कंपोनेंट बोले तो आपको बताना है करंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले करंट अकाउंट की डेफिनेशन दे देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन दे देना, जो आपको समझाई है इस तरीके से, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बता देना क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद चालू करना करंट अकाउंट के, मैं क्या बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे हो गए कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है करंट अकाउंट के, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, सर करंट अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, यही तीनों चीजें ना, बस यही तीनों चीजें आपको लिखनी है यहाँ पे, पहला दूसरा और तीसरा, और इन्हीं को एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से, यही नंबर दिलवाएंगे आपको। तो करंट अकाउंट का जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, विजिबल आइटम। तो आपको बताना है विजिबल आइटम होता क्या है, विजिबल आइटम वो सारे ट्रांजेक्शन जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और हम विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसी क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम। सिंपल ना। अब विजिबल आइटम जो होता है ना अलग तरीके से रिकॉर्ड भी किया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, जिसके अंदर एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करके निकाला जाता है इसको, ठीक है सर, वो सब बात की बात है, आपने चैप्टर में पढ़ लिया होगा, आगे चलते हैं सर। इसके अलावा इनविजिबल आइटम बताने हैं आपको, इनविजिबल आइटम क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं, उस पर ट्रांसफर आइटम बताने हैं, ट्रांसफर आइटम होते क्या है, वो सब कैसे काम करते हैं, सिंपल बस आपको ये एक्सप्लेन करना है, करंट अकाउंट हो गया। अब आपको बताना है कैपिटल आइटम, अब कैपिटल आइटम क्या है सर, कैपिटल आइटम सॉरी कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट केवल एक ही है कैपिटल आइटम। तो आप केवल एक पॉइंट तो बताओगे नहीं कि कैपिटल आइटम ही इसके अंदर आता है, बस खाली आपको थोड़े एक्स्ट्रा बताने पड़ेंगे, वो एक्स्ट्रा क्या है, वो इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसे कि कैपिटल आइटम में क्या क्या चीज आती है, मैंने अभी बताया, आप कोई जमीन परचेज करते हो वहां से, है ना, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंपल सर सॉरी भाई, तो एफडीआई, तो एफडीआई हो गया, या फिर दूसरा पॉइंट हो गया एफआईआई, इनको एक्सप्लेन करना है बस खाली, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी कंपनियां जब हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, कितना 10% से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर विदेशी कंपनी हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती हैं कितना 10% से कम, तो उसको क्या बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सिंपल, ये सारे इन्वेस्टमेंट इसमें आते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो बैंक वाले एक दूसरे से जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, या फिर ई मतलब अगला पॉइंट जैसे कि एनआरआई के डिपॉजिट, कोई विदेशों में बंदा रहता है तो अपनी फैमिली को यहाँ पे पैसे भेज रहा है तो वो एनआरआई डिपॉजिट्स, तो ये सब इनकम क्या होती है यहाँ पे, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। सिंपल, बस ये वाला टॉपिक आपका खत्म, बस आपको कंपोनेंट बताने थे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के। कह रहा है व्हाई ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में क्यों होता है, क्योंकि कोई भी अपनी इकोनॉमी को अनबैलेंस नहीं दिखाना चाहता, लॉस में नहीं दिखाना चाहते, और इक्विलिब्रियम में करते कैसे हैं, तो वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेके आते हैं जिसमें जो भी हमारा घाटा होता है उसको इक्विलिब्रियम में दिखा देते हैं। सिंपल सर, इस तरीके से खत्म भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच में समझते हैं एक बार ठीक से अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। रिकॉर्ड हो भी रहा है नहीं हो रहा,
हो रहा भाई रिकॉर्ड, चलो आ रही होगी। हाँ भाई शुरू करते हैं। तो भाई पांचवा क्वेश्चन क्या रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, जैसे कि आपको दे रखा है सी इक्विलिब्रियम लेवल की क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। और मैंने बताया था जब भी आपके पास नेशनल इनकम का फॉर्मूला आए, क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है एडी बराबर में एएस, क्योंकि डिमांड और सप्लाई नेशनल इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, बराबर होती है। अब एडी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एडी है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, कंजम्पशन प्लस में, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट भी है, तो यहाँ पे थ्री सेक्टर इकोनॉमी का फॉर्मूला लगाना है एडी वाला, प्लस आई प्लस में जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एएस, सिंपल ना इतना, ठीक आगे चलते हैं सर। एएस आपको पता है किसके बराबर होता है, हाँ जी पता है हमें, एएस किसके बराबर होता है बाई के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बस सवाल हटा के बाई, सिंपल ठीक है। अब कंजम्पशन कितना है, देखिए ध्यान से कंजम्पशन का है, ये रहा कंजम्पशन, ये दे रखा आपको कितना 50 जमा में 0.8 वाई डी, सिंपल इतना ठीक है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट जो कि कितना है 70, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है दे रखा है आपको 200, बराबर में आपके दे रखा है इनकम, ठीक है। अब ये जो वाई डी है, थोड़ा सा वाई डी को एक्सप्लेन करते हैं, तो वाई डी क्या होता है, तो वाई डी होता है मतलब 0.8 हो गया वाई डी। अब ये जो वाई डी होता है, वाई डी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो डिस्पोजल मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर लोगों की एक्चुअल इनकम होती है उसको बोलते हैं। अब वो एक्चुअल इनकम कैसे निकलेगी, सोचिए जो पहले हमारी इनकम होती थी ना वाई, उनमें से सबसे पहले हम क्या भरते हैं, हम भरते हैं टैक्स, क्या भरते हैं उस पर टैक्स, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या टैक्स, और फिर उसमें प्लस करेगा जो भी टैक्स रिसिप्ट होती है हमारी, टोटल रेवेन्यू होती है वो प्लस करना पड़ेगा, यानी टी आर प्लस करना पड़ेगा, तब आपको मिलती है पूरी पूरी मतलब वाई डी, ठीक है सर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी जगह लिखा बस खाली मैंने ये ब्रैकेट के वाला, ठीक है, तो प्लस में 70 हो गया, बराबर में वाई हो गया, इसको लेते हैं एक बार, तो 270 और ये 50, ये हो गया टोटल आपका 320, तो 320 यहाँ पे टी आर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं सर, कितनी टी आर की वैल्यू है 100, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा टैक्स कैसे निकलता है सर, टैक्स टैक्स कैसे निकलता है, इनकम पे ही टैक्स लगता है ना, तो जो भी आपकी वो टैक्स दे रखा है उसने 0.20, तो किस पे लगेगा, वो इनकम पे लगेगा, तो टैक्स को ऐसे लिखेंगे 0.20 वाई, ठीक है, तो अंदर ले जाते हैं इसको, ये हो गया कितना प्लस में 0.8 वाई, और अंदर जाके माइनस में हो गया 0.2 वाई, ठीक है सर। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, नहीं ठीक है सही, या सच में देखते हैं ट्राई करते हैं एक बार फिलहाल, तो ये हो गया टी आर, टी आर कितना है आपके पास 100, और यहाँ पे कितना हो गया ये सब चीज़ें, अच्छा ये जोड़ दिया ना बराबर में वाई, ठीक है, तो 100 और इस जोड़ गया इसके साथ, ये हो गया 420 बराबर जमा में 0.6 वाई, ठीक है बराबर में वाई। अब वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र है, मेरे को लग ही रहा था भाई एक गलती कर रखी है, वो हो ही गई है गलती, मैंने बताया था टैक्स होगी कितना लिखा 0.8, तो बस इसको क्या को यहाँ पे लिखा, देखो अब बताता हूँ क्या गलती है, तो यहाँ पे 0.2 वाई, ठीक है। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर ये 0.2 नहीं रहेगा, ये हो गया 6 दुनी 12 मतलब 8 दुनी 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, हो गया 0.16, हो गया 0.16, ठीक है। इसके बाद बस ये गलती थी भाई, और 8 आएगा 100 के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा 84, है ना, ठीक 84 नहीं है सॉरी 80, ठीक है, हाँ ये गलती होती है, वापस चलते हैं, ठीक है सुनना, आगे चलते हैं भाई। तो 320 और 80 कितना हो गया, ये हो गया 400 जमा में, 80 में से 16 जब चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 80 में से 10 गए 70, 70 में से 6 और चले गए तो बच गया 64, तो 0.64, और ये बच गया कितना वाई, बराबर में यहाँ पे बच गया वाई। अब इसको यहाँ पे प्लस का ही जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बस 400 बराबर में वाई माइनस में 0.64 वाई आ गया, तो 100 वाई में से 64 अगर जाएंगे तो बचेंगे ये बचेंगे 36, तो ये हो गया 36.36 वाई बराबर में 400। अच्छा ये एक चीज और बता दूं, ये जो होता है ना 0.36 ये क्या होता है, ये होता है एमपीसी सॉरी एमपीएस, क्या होता है एमपीएस, 0.36 क्या है एमपीएस, क्योंकि देखो ये कंजम्पशन का फॉर्मूला है, कंजम्पशन पता है एमपीएस सॉरी एमपीसी, ये जो है एमपीसी 0. क्या हो गया एमपीसी, और वहां पे ये 0.36 क्या हो गया वाई डी है, तो एक्चुअल में अगर एमपीसी देखा जाए तो एमपीसी कितना होगा, ये वाली वैल्यू होगी भाई एमपीसी 0. और ये है आपके पास एमपीएस, ठीक है। अगर आपने पहले वाले न्यूमेरिकल करे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर आपने पहले न्यूमेरिकल नहीं करे तो सर डिस्क्रिप्शन में जाइए फिर से वापस से देख के आइए, ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं है वो पहले अपना कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, इसको इधर लाके डिवाइड करना है, तो वाई इज इक्वल टू 400 बटे में 0.36, और इसको आप डिवाइड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा भाई, ये बात कर लेते हैं, तो 400 को डिवाइड करना है, तो 400 डिवाइड बाय 0.36 तो गया भाई 1111.11, मतलब 1111.11 बार, ठीक है भाई।
चलिए ये आप गई आ गई क्या इनकम, मतलब नेशनल इनकम एक तरीके से इक्विलियम लेवल पे जो भी आपकी इनकम बनेगी ना वो आपकी इनकम आपके पास मिल गई, ठीक है सर। अब दूसरे लेवल पे हमें निकालना क्या था, और दूसरी चीज कह रहा है मल्टीप्लायर भी निकालना है इसी टॉपिक के अंदर, तो इसके अंदर आप मल्टीप्लायर निकालिए एक बार, क्या निकालना है मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लायर मतलब होता है के, और के का फॉर्मूला होता है सर 3 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एमपीएस, और तीसरा फॉर्मूला होता है आपको 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी। तो एमपीएस आपको पता ही पहले से, बस निकाल दो, तो 1 अपॉन में 0.36, तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे यानी कि 1/0.36 तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 2.8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है 2.7777 आ रहा है, तो मैंने 2.8 लिख दिया, सिंपल सा। तो आपने निकाल लिया मल्टीप्लायर, तो पहला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट बजट सरप्लस, अब आपको क्या निकालना है बजट सरप्लस निकालना है। अब बजट सरप्लस कैसे निकलेगा सर, समझ से हाँ भाई श्योर है। चलिए दूसरा टॉपिक आता है सर, दूसरा टॉपिक आता है बजट सरप्लस का, तो आपको बजट सरप्लस निकालना है। बजट सरप्लस कैसे निकलेगा, जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से क्या घटा दो एक्सपेंडिचर घटा दो बस खाली। अब देखो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने थे, देखो ये दे रखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने 200। अब बस रेवेन्यू घटाना है, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है, देखो गवर्नमेंट की रिसिप्ट पहले दे रखी है आपको 100 प्लस में गवर्नमेंट टैक्स से भी तो पैसा कमाती है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट भी तो होती है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट 100 तो है फिक्स है लेकिन गवर्नमेंट टैक्स से भी पैसा कमाती है, तो गवर्नमेंट की वो भी इनकम है। अब गवर्नमेंट की टैक्स वाली इनकम लिखते हैं, तो गवर्नमेंट की टैक्स वाली इनकम कितनी है 20%, किसका 20%, इनकम का 20%। अब वो इनकम कितनी निकली हमारी, वो ये रही, यानी कि आपको क्या लिखना है 0.20y, है ना, ठीक है। अब ये जो y है y की वैल्यू कितनी है 111, ठीक है, तो लिखते हैं 0.2 मल्टीप्लाई में 1111.1 बार प्लस में 100 माइनस में 200, तो इससे कट गया, बच गया यहाँ पे 100 माइनस करना है बस खाली उसका निकाल के, तो इसका 20% देख लो सर कितना होगा, तो ये हो गया 1111 मल्टीप्लाई में 02, ठीक है भाई आ गया 222.2, ठीक है। अब इसमें प्लस करना है 100 और माइनस करना है 200, मतलब 100 माइनस करना है 100 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना चला जाएगा, ये बच गया कितना, अरे कितना हो गया, आप चालू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, तीसरे क्वेश्चन में क्या, मतलब इसी के तीसरे पार्ट में कह रहा है न्यूलियम लेवल कम डेट मल्टीप्लाई बार है बट से वो कितना 0.25%, इसे हम जो टैक्स लेके कर रहे हैं 0.20 को चढ़ना है और यहां पर क्या जाएगा 0.25, बस ये इतना सा चेंज है, और सारा क्वेश्चन आपको कल दोबारा नहीं लगता, मैं रियल में क्लेम भर नहीं कि मैं साल दोबारा फॉर्म भरा चेक करना, आपका क्या जाएगा 0.25, बस ये इतना सा चेंज करना और सारा क्वेश्चन आपको कल दोबारा नहीं लगता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सारा दोबारा कर पाऊं, आराम से करना आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आज जो आंसर आया मेरे को कमेंट में बता, आपका ये आ रहा है मैं चेक कर लूंगा, कुछ नहीं करना क्वेश्चन भाई, बस यहां पे टैक्स 0.25 मतलब यहां पे आ जाएगा 0.25y करना क्वेश्चन भाई, बस यहां पे टैक्स 0.25 मतलब यहां पे आ जाएगा 0.25y यानी कि यहां पे आ जाएगा 0. कहां गया इधर 0.25y यहां पे आ जाएगा 0.25y को जब 8 से मल्टीप्लाई करो तो जो भी आपका आंसर आएगा वो यहां पे लिख देना, इस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलिए आराम से कर लोगे आप, सेम ऐसी दूसरी बार भी चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोबारा से बजट सरप्लस निकालना है 0.25 के हिसाब से टैक्स चल रहा हो, ठीक है भाई आगे चलते हैं। अच्छा इसका बी पार्ट भी है, क्या रहा इसका बी पार्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग, प्राइवेट सेविंग के क्या यूज होते हैं, आप आराम से लिखोगे, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। पांचवा क्वेश्चन हो गया, आते हैं भाई छठे क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन भाई, छठे क्वेश्चन में भाई दो पार्ट है ए और बी, तो छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्कर भी नहीं चल रहा भाई। हाँ जी छठे क्वेश्चन में बस दो पार्ट है ए और बी, आपको दोनों सॉल्व करने हैं ए और बी के हिसाब से, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है हाउ टू क्रिएट क्रेडिट क्रिएट इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम एक्सप्लेन, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, बस वो आपको समझाना है, ठीक है भाई। मनी और बैंकिंग चैप्टर में मैंने अच्छे तरीके से समझाया आपको क्रेडिट क्रिएशन, मतलब जो थ्योरी वाला लास्ट चैप्टर है ना मनी एंड बैंकिंग के नाम से मैंने वहां पे दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए मनी मैंने कैसे समझाया था सर, क्रेडिट क्रिएशन जब भी आए तो आपको बताना है सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल डाल देना, उसके बाद उनके फंक्शन डाल देना, उसके बाद समझाना क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है सर। अच्छा क्रेडिट क्रिएशन पूरी प्रोसेस टेबल बना के भाई, मतलब कि यहाँ पे आएगा इनिशियल डिपॉजिट, यहाँ पे आएगा LRR, सॉरी भाई अगर पीछे से आवाज आ रही है नॉइस आ रही है, ठीक है भाई। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लोन, ठीक है आगे चलते हैं। तो इसके अलावा अच्छा इसका दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं,
फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 10,000, आपके यहाँ पे फ्रेश डिपॉजिट है कितना 10,000, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है, एंड द लीगल रिजर्व रेशियो इज 0.5, यानी कि 0.5 है लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब वही 5% नहीं 50% भाई, 50% ठीक है, हाँ 50% है ना, हाँ 50% ठीक है। कह रहा है क्या बोलते हैं, हाउ मच विल बी टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बैंक है, मतलब बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कितना होगा वो समझाना है, बस सिंपल सर आपको बनाना है। तो 10,000 का 50% यानी 5,000 वो अपने पास रखेंगे और 5,000 क्या होंगे लोन देंगे, फिर वो जो लोन दिया फिर दोबारा से घूम के किसके पास आएगा, बैंकों के पास आ जाएगा, फिर दोबारा से वो अपने पास कितना रखेंगे भाई, अपने रखेंगे इसका आधा यानी कि 2,500 अपने पास रखेंगे, और क्या बोलते हैं 2,500 फिर दोबारा से क्या देंगे लोन देंगे, और फिर दोबारा से वो 2,500 क्या हो जाएगा इनके पास दोबारा से घूम के आ जाएगा, और इसी तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। बस मैंने बताया था लास्ट में आपको टोटल करना है, टोटल कैसे करेंगे के का फॉर्मूला लगा के, के का फॉर्मूला क्या होता है 1/LRR, और 1/LRR मतलब 1/0.5, 5 हटेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, इससे कट गया 2, तो इसका टोटल कितना लिखेंगे यहाँ पे 10 का दुगुना 20,000, तो यहाँ पे आएगा टोटल 20,000, इसका दुगुना ये हो गया 10,000, इसका दुगुना हो गया 10,000, ठीक है। टोटल क्रिएशन कितना हो गया बी, मतलब 20,000, तो ये हो गया दूसरे वाले ऑप्शन का आंसर जो कि 20,000 है, और इस टेबल को बना के समझाना है। अब पहले वाले में अलग टेबल बनाओ, दूसरे वाले में अलग टेबल बनाओ तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दोनों के लिए मैंने सेम टेबल बना दी, सिंपल से आप आराम से कर दोगे, छठा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। मनी और बैंकिंग चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। सात क्वेश्चन सर, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, मतलब इन दोनों पे आपको शॉर्ट नोट्स लिख लिया, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएगी, छोटा सा बना के लिखना है, बस खाली 5 नंबर के क्वेश्चन एक तरीके से, 5-5 नंबर के, ठीक है। कह रहे हैं दो पे लिखना है किसी पे भी, कह रहा है फॉरन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है वो बताना है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी बतानी है, स्पेकुलेशन डिमांड ऑफ मनी फॉर मनी बतानी है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक है, गूगल पे ऐसे डाल दो ना सर्च करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, अगर वीडियो अच्छी हुई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पहले से जाना, ठीक है, और आपने पहले से कर रखा था।